ताजा टाइम के अपार सफलता के बाद मैं इससे इंस्पायर्ड होकर एक और न्यूज ब्लॉग क्रिएट करने वाला हूं, लेकिन ये न्यूज ब्लॉग इंडिया टारगेट नहीं होगा, इसको हम टारगेट करने वाले हैं यूएस कंट्री को। तो आज 90 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज के 60वें दिन पे हम क्रिएट करेंगे कंप्लीट न्यूज ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप गाइड से। तो आज हमारे साथ बने रहिए आप। न्यूज ब्लॉग जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है डोमेन। हम थोड़ा सा अलग डोमेन लेते हैं, जैसा कि हम रेगुलर बाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे techyukti.com, techkari.com, ये एक न्यूज ब्लॉग डोमेन नहीं है। बट बात करें taajatime.com, ये देखने से ही लगता है ये एक न्यूज ब्लॉग डोमेन। ऐसा होना चाहिए जिसे देख कर ही लगे कि वो न्यूज ब्लॉग का है। तो इसके लिए मैंने अपने डोमेन का नाम चुन लिया है। जो मैं डोमेन लेने वाला हूँ यूएस न्यूज ब्लॉग के लिए, उसका नाम है timesusa.org। ये मैं बाई करने वाला हूँ, इसको मैंने सर्च किया था और ये अवेलेबल था और मैं इसको खरीदने वाला हूँ अभी आपके सामने और इसको सेटअप भी करूँगा। लेकिन अब बात आती है कि डोमेन तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, होस्टिंग कौन सा लूँ। तो होस्टिंग मैंने बहुत सारे होस्टिंग रिसर्च किए और मुझे जाके पता चला कि होस्टिंगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं होस्टिंग ले सकता हूँ। इसके परचेज करने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मैं पहला कारण बता देता हूँ कि यहाँ पे डोमेन मुझे फ्री में मिल जाएगा। दूसरा, ये सस्ता है और इसमें हम यूएस को टारगेट भी कर सकते हैं, यानी मुझे सर्वर लोकेशन यूएस का भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं यूज करने वाला हूँ लाइक ये होस्टिंगर का। और अगर आप भी यूएसए टारगेट न्यूज ब्लॉग बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का मेरा अफिलिएट लिंक है, वहाँ से खरीदेंगे तो बहुत सारे गुडीज और आपको मिलेंगे। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे होस्टिंगर पे आने के बाद देखेंगे, यहाँ पे मुझे 149 रुपये पर मंथ में होस्टिंग मिल रहा है, जिसमें मुझे फ्री डोमेन मिलेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे 24/7 सपोर्ट मिलेगा। जब मैं इस पर क्लेम डील पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे और ऑप्शन दिख जाते हैं, बट मैं प्रीमियम वाला बाई करने वाला हूँ जो कि $149 पर मंथ का होगा। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करूँगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद इसके कुछ फीचर्स मैं पहले पढ़ लेता हूँ ताकि मुझे उन चीज़ों की गारंटी रहे। जैसे कि यहाँ पे 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलती है, यानी अगर मुझे होस्टिंग नहीं पसंद आती है तो मैं 30 दिन में इसको रिटर्न भी कर सकता हूँ। कोई इशू आता है तो मैं इसको लाइक अपना पैसा वापस भी ले सकता हूँ। 100 वेबसाइट होस्ट करता हूँ और अनलिमिटेड ट्रैफिक है जो कि अनलिमिटेड GB तक रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे अनलिमिटेड फ्री SSL मिलेगा जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वीकली बैकअप भी मिल रहा है, फ्री माइग्रेशन भी है और मैनेज वर्डप्रेस मिल रहा है जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सारी चीज़ें एक जगह पे एक साथ इतने कम कीमत में मिलना। तो यहाँ पे इसका प्लान जो है थोड़ा सा, चार तरह के प्लान अलग अलग दिए हुए हैं, जो कि पहला 1 महीने का है और एक है 12 मंथ का और दूसरा है, तीसरा है जो कि 24 मंथ का है और चौथा है जो कि 48 महीने का होने वाला है। तो अभी के लिए मैं 1 साल का बाई करने वाला हूँ। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप 1 साल से ऊपर या उससे 1 साल या उससे ऊपर का ही बाई करें। अब यहाँ पे मैं गूगल से डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंटर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली गूगल से। तो मैं यहाँ पे गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपना ईमेल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन हम सभी यहाँ पे लॉगिन कर गए हैं। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे मुझे पेमेंट करना होगा अपने होस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं पेमेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट ऑप्शन UPI सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं अपना डिटेल ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, देखेंगे नीचे हमारा जो टोटल प्राइस आ रहा है होस्टिंग का वो आ रहा है 3384 रुपये, जो कि होस्टिंग प्लस डोमेन का होगा। बट मैं यहाँ पे 10% का और डिस्काउंट ले सकता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे कूपन कोड यूज करूँगा 37 के। यहाँ पे मैं एक कूपन कोड जैसे अप्लाई करूँगा तो मुझे 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे मेरा जो प्राइस हो गया है 3045 रुपये अभी टोटल हो गया है। और फिर मैं यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल ऐड करता हूँ और पेमेंट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं पेमेंट डन कर दूंगा इसका। तो यहाँ पे सिक्योर कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पे देखेंगे अप्रूव्ड बाई OTP मैं करता हूँ और OTP जाएगा मेरे फ़ोन नंबर पे। अब यहाँ पे मैं कन्फर्म पे क्लिक करके अपना पेमेंट डन कर दूंगा और मेरा जो है होस्टिंग परचेज हो जाएगा इस तरह से। तो अभी देखेंगे हमारा होस्टिंग हमने सक्सेसफुली बाई कर लिया है और यहाँ पे हेलो आ गया है। यहाँ पे देन हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे क्रिएटिंग माई सेल्फ, क्रिएटिंग समवन एल्स और आई हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं स्किप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखेंगे लिखा है क्रिएट ए न्यू वेबसाइट, माइग्रेट माई वेबसाइट, यानी हम यहाँ पे नया वेबसाइट बनाने वाले हैं, कहीं से और माइग्रेट करते तो उसको, तो वट एवर यहाँ पे हम सेलेक्ट इसको करेंगे और यहाँ पे देखेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट हम बनाएंगे। बहुत सारे लोग गलती से ये होस्टिंगर बिल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, सेलेक्ट इस वर्डप्रेस वाले को करना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का।
स्किप करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो आता है हमारा आता है फ्री क्लेम डोमेन, क्लेम ए फ्री डोमेन, यहाँ पे बाय ए डोमेन, यूज एग्जिस्टिंग डोमेन। अब यहाँ से हम अपना जो है डोमेन फ्री क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने जो डोमेन सेलेक्ट किया, मैंने गोडेडी पे चेक किया था कि हमारा डोमेन रहेगा timeusa.org, उस डोमेन को मैं क्लेम करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं timeusa डालता हूँ और यहाँ से .org सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि मुझे .org का एक्सटेंशन नहीं मिला। यहाँ पे .com है, .in है, .net है, लेकिन .org नहीं है, .org, .in है, डायरेक्टली .org नहीं मिल रहा है। लेकिन मोस्टली जो डोमेन होते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे .com लेना होता, .in लेना होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल .in अगर मुझे लेना रहे तो ये डोमेन मुझे तुरंत मिल जाएगा। मैं इस डोमेन को नहीं लेता हूँ, मुझे वही डोमेन चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं खरीद लेता हूँ अभी ये डोमेन तुरंत ही। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ बाय नाउ पे, बाय ये डोमेन ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना डोमेन डालूंगा timeusa.org। ठीक है, ये मेरा डोमेन है और इसको मैंने सर्च किया और ये यहाँ पे देखेंगे मिल रहा है पेड में, वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, डोमेन हमारा सही है। इसके बाद हम इस पे बाय नाउ पे मैं क्लिक कर दूंगा। वन ईयर के लिए अभी मैं बाय करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कूपन कोड ऐड करता हूँ 37K, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये कोड नहीं काम करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे डोमेन ऐड हो गया है हमारे सर्वर पे। यहाँ पे देखिए मेरा जो डोमेन था timeusa.org ऐड हो गया, मैंने उसे परचेज कर लिया है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोकेशन सेटअप करना, जैसे कि अगर हम इंडिया के लिए बनाते तो हम यहाँ से एशिया सेलेक्ट करते, बट हम बना रहे हैं US न्यूज वेबसाइट, तो इसके लिए हमें यहाँ पे अपना सर्वर लोकेशन USA करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वाला जो सेक्शन है USA के लिए है, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हम लोग सेलेक्ट करेंगे USA AZ, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे चेंज लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखेंगे हमारा सर्वर का सेटअप हो गया, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है और देन यहाँ पे फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है। अब ये कुछ टाइम लेता है जो कि सेटअप करता है, पूरे डोमेन को कनेक्ट करता है हमारे ब्लॉक के साथ। अभी भी हमने जो हमारा फ्री डोमेन है उसको क्लेम नहीं किया, तो हम एक फ्री डोमेन भी क्लेम कर सकते हैं। हमारा होस्टिंग है कम्प्लीटली सेटअप हो गया है। यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन मिलेगा, पेंडिंग डोमेन परचेज ड्यू टू कम्प्लीट पेमेंट, यहाँ पे फिनिश परचेज पे मैं क्लिक करता हूँ। पहले अपने डोमेन का परचेज मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 499 रुपये मुझे पे करना है। अब यहाँ से हमें डोमेन रजिस्ट्रेशन का सेटअप करना पड़ता है। यहाँ पे मैं फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दूंगा और फिर मेरा डोमेन का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने डोमेन खरीदा था उसको हम उसका परचेज फिनिश कर देंगे और यहाँ पे हमने कर दिया है गुड न्यूज और ये हमारा हो गया डन। अब देखेंगे हमारा डोमेन यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो यहाँ पे जाते हैं ईमेल को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जीमेल ओपन करता हूँ। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे वेरीफाई हो गया हमारा ईमेल। होस्टिंगर के हम होम पे आ जाएंगे। अभी देखिए हमने अपना फ्री डोमेन क्लेम नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं अगर फ्री डोमेन क्लेम करना चाहूँ, जैसे कि मुझे अगर फ्री डोमेन लेना, तो जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे .com मैं एंटर करके इसको चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये डोमेन हमारी अवेलेबल है, तो इसको मैं क्लेम कर लूंगा डायरेक्टली और ये भी मेरे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसका मैं फिनिश कर दूंगा। तो ये दो डोमेन हमारे अकाउंट में ऐड हो गए हैं। अभी हम आ जाएंगे यहाँ पे ऊपर वेबसाइट के ऑप्शन पे, और वेबसाइट के ऑप्शन पे आने के बाद देखेंगे हमारा एक डोमेन देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है, हम इस पे मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है योर डोमेन टू कनेक्टिंग टू वर्डप्रेस होस्टिंगर, क्योंकि हमने डोमेन परचेज किया तो कनेक्ट करने में टाइम लगेगा। यहाँ से हम वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे अपने वेबसाइट का टाइटल देंगे timeusa। ठीक है, हमारा जो ईमेल रहेगा, ईमेल हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल हो जाएगा और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड सेट कर दूंगा और देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन है उसको ऐसे रहने दें और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद हम डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और देखेंगे ये अभी हमारे वर्डप्रेस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा वर्डप्रेस है, साइट को एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। देखेंगे साइट ओपन हो रहा है बट SSL नहीं चालू है। फिर से जाएंगे अपने एडमिन में और यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन में जाएंगे SSL, और यहाँ पे हम करेंगे SSL को रीइंस्टॉल। यहाँ पे देखिए SSL इंस्टॉलिंग लिख दिया है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं SSL जब तक इंस्टॉल हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा SSL एक्टिवेट हो गया है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ
रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे SSL यहाँ पे आ गया है। अब हम जाएंगे अपने WordPress में, यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड यूजर नेम इंटर कर दिया है, देन लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये हमारा WordPress का डैशबोर्ड है। यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग करना होता है, तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में, यहाँ पे परमालिंक ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम पोस्ट नेम परमालिंक सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला परमालिंक ध्यान रखना है, यही सेलेक्ट करना है। देन हम यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे जर्नल में। जर्नल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम टाइम और डेट हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे लॉस एंजलिस अमेरिका का टाइम जोन हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखेंगे उस तरह का टाइम जोन, उस तरह की सारी चीज़ें हो जाएंगी और डेट फॉर्मेट और सारी चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा बेसिक वर्डप्रेस सेटिंग हो गया। अब आ जाएंगे थीम ऑप्शन पे और यहाँ पे देखेंगे थीम कई सारे। यहाँ पे पहले हमारा एक डिफ़ॉल्ट थीम सेट है जो कि 2023 थीम है वर्डप्रेस के द्वारा, बट हम यहाँ पे इस थीम का यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं न्यूज़पेपर जो कि एक बिल्कुल फ्री थीम है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला थीम है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे इस वाले थीम को और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। हमारा थीम इंस्टॉल हो गया है और इसके बाद हम आ जाएंगे प्लगइन में। प्लगइन्स में देखेंगे कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल है, दो प्लगइन होस्टिंगर और लाइट स्पीड कैचे। तो लाइट स्पीड कैचे एक कैचिंग प्लगइन है जिसको हम रहने देंगे, बाकी होस्टिंगर को हम डीएक्टिवेट कर देंगे और इसे डिलीट कर देंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम क्लासिक एडिटर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है जो कि वर्डप्रेस में पहले होता था। इसके बाद यहाँ पे हम गूगल साइट किट इंस्टॉल करते हैं, इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिवेट पे क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर लेंगे। इसके बाद अभी हम इसका सेटअप नहीं करेंगे, पहले हम और भी इंस्टॉल करते हैं, रैंक मैथ इंस्टॉल कर लेंगे और इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये वाला वेब स्टोर इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट कर लेंगे इसे। हम इतना प्लगइन अभी इंस्टॉल करेंगे, इतने से हमारा काम चल जाएगा। आगे जब ज़रूरत होगी तो प्लगइन्स को हम और भी इंस्टॉल करते रहेंगे। अब बात आती है इन्हें सेटअप करने के लिए, तो हम सबसे पहले साइटकिट प्लगइन को सेटअप करते हैं। इससे बहुत इजीली हम सेटअप करते साइटकिट से हम बहुत इजीली सेटअप कर पाते हैं अपना अलग सर्च कंसोल, अपना हम सेट कर पाते हैं एनालिटिक्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम कनेक्ट हेल्प अस और यहाँ पर साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देंगे। ईमेल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यू, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, अलाउ, सेटअप, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे उसका नाम रहेगा, अकाउंट का नाम timesusa.org और वेबसाइट का नाम timesusa.org यूनाइटेड स्टेट रहेगा। लॉस एंजलिस का हमने टाइम जोन सेलेक्ट किया है, देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर से एक बार हम अपने ईमेल को वेरीफाई करेंगे, सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यू। यहाँ पे हम USA सेलेक्ट कर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि हमारा टारगेट जो कंट्री है USA है, तो हमारा सब कुछ USA के हिसाब से रहेगा। और देन यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे, गो टू माय डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, हम फिर से आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस पे। तो हमारा सर्च कंसोल और एनालिटिक्स सेटअप हो गया है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे देखेंगे हमारा एक गूगल सर्च कंसोल सेटअप हो गया है। इसी तरह गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप हो गया है, ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखेंगे हमारा गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप हो गया है यहाँ पे। तो ये दोनों हमारे सेटअप हो गए हैं। देन हम आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस में फिर से और यहाँ पे रैंक मैथ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, सेटअप विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे और देन स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग रहने देते हैं, वेबसाइट का नाम, यहाँ पे लोगो अपलोड करना है, तो लोगो गूगल के लिए यहाँ पे डेफिनेटली अपलोड करें। अभी मैंने बनाया नहीं है तो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे, जीमेल से लॉगिन करेंगे, ओके, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हम अपना सर्च कंसोल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सर्च कंसोल अकाउंट हमारा आ गया है। एनालिटिक्स प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे आ गया है, ठीक है। एडसेंस अकाउंट अभी है नहीं, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे साइट मैप हमें चाहिए, इंडेक्स इमेज, इंडेक्स पेजेस और स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद कैटेगरीज और देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक कर सकते हैं और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेटअप एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे, 404 मॉनिटर रिडायरेक्शन ऑन कर देंगे,
और फिर से नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक स्कीमा मार्कअप सेलेक्ट करते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो स्कीमा टाइप है आर्टिकल, और यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट को न्यूज आर्टिकल सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हम न्यूज बनाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे न्यूज आर्टिकल, और यहाँ पे भी न्यूज आर्टिकल टाइप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा वर्डप्रेस का सेटअप रेडी हो गया है, और देखेंगे यहाँ पे वेब स्टोरी हमारा है, वेब स्टोरी ऑन हो गया, साइट मैप ऑन हो गया। अब हम साइट मैप सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च कंसोल ऑन करेंगे, रैंक मैथ में आने के बाद देखेंगे यहाँ पे साइट मैप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे हमारा साइट मैप होगा फाइनल, जो कि अभी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, तो ये साइट मैप दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कॉपी कर लेंगे, अपने सर्च कंसोल में आ जाएंगे, और यहाँ पे साइट मैप्स नाम का ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम ये क्लिक कर देंगे जो हमने कॉपी किया है, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। हमारा साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। कुड नॉट फेच इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम इस पर कोई भी आर्टिकल नहीं लिखे हैं। अगर आपके साथ ये समस्या आती है तो समझ लीजिए कि जब आर्टिकल आप नहीं लिखते हैं तो कुड नॉट फेच आता है, क्योंकि उसके पास कोई डेटा होता नहीं है फेच करने के लिए। अब बात आती है, हमारा जो है वर्डप्रेस का सेटिंग हो गया है। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड करेंगे जो कि मैं पहले से बना के रखा हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो न्यूज ब्लॉग जब यूएसए के लिए हम बनाते हैं तो कुछ और भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर ये पेज है, पहले इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अबाउट अस का पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं डॉक्स ओपन कर लेता हूँ। ये डॉक्स एक टेम्पलेट है जहाँ पे हमने सारे पेजेस जो भी यूएसए न्यूज़ के लिए रिक्वायर्ड होंगे वो बना के रखे हैं। तो ये सारे डॉक्स आपको फ्री में मिल जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं, और फिर हम अबाउट अस पेज ऐड करेंगे, और यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, इसको ऐड करते हैं। ये सारे पेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी आप यूएसए टारगेट न्यूज़ बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो ये सारे पेजेस आपके ब्लॉग पर होने चाहिए, क्योंकि आपके इंडेक्सिंग और सारे न्यूज में अप्रूवल में बड़ा इशू आ सकता है अगर ये सारे पेजेस रेडी नहीं रहेंगे तो। तो ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो गया, इसको भी हम पब्लिश कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम ऐड न्यू करेंगे, और यहाँ पे अफिलिएट का पेज ऐड करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये सारे पेजेस इंक्लूड करना है इसमें। फिर से ऐड न्यू पेजेस करेंगे, और यहाँ पे डिस्क्लेमर का एक पेज होगा जिसको ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे फिर से ऐड न्यू करेंगे, और यहाँ पे यूज कुकीज़ का, ठीक है, हम यहाँ पे पेज बनाए हैं, इसको ऐड करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आप यूएसए या फिर इंडिया से बाहर यूएन के रीजन पे किसी भी कंट्री को टारगेट करते हैं तो ये पेज बहुत ज़रूरी है। इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पब्लिश कर देंगे। ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे हमने बनाया है पहले से तो हमें बस कॉपी करना है, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, और देन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडिटोरियल पॉलिसी, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो ये सारे रिक्वायर्ड पेजेस हैं जो कि हमारे न्यूज़ ब्लॉग में होने चाहिए जब भी हम यूएसए के लिए बनाते हैं। तो ये सारे पेजेस हमने ऐड कर दिए, तो हम दिखा देते हैं एक बार, अबाउट अस, अफिलिएट, डिस्क्लेमर, एडिटोरियल पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड यूज कुकीज, और एक और इम्पॉर्टेंट पेज है यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का, तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड कर देंगे। अब हमारी बात आती है कैटेगरी की, हम किस कैटेगरी पे फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करने के लिए पोस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैटेगरीज यहाँ पे हम ऐड करेंगे। कैटेगरीज को पहले हमको इसको एडिट कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं इंटरटेनमेंट, ठीक है, और यहाँ पे स्लग में भी इंटरटेनमेंट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे अपडेट कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से आ जाएंगे ऑल कैटेगरी पे, फिर से यहाँ पे नया कैटेगरी ऐड करेंगे, न्यू कैटेगरी पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे फिनांस, स्लग डालने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं ट्रेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेंडिंग, हमने कुछ कैटेगरीज ये बना ली हैं, ठीक है, ये हमारे न्यूज़ ब्लॉग की कैटेगरी हो जाएंगे। इसके बाद मेन्यू क्रिएट करना है, तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए अपीयरेंस पे जाएंगे, यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी कोई भी मेन्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम मेन मेन्यू क्रिएट करते हैं जो कि हेडर का मेन्यू होता है, और यहाँ पे इसको प्राइमरी नेविगेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और देन हम आ जाएंगे अपने कैटेगरीज ऑप्शन पे नीचे, और देखेंगे यहाँ पे व्यू ऑल कैटेगरी पे जब क्लिक करेंगे तो हमें सारे कैटेगरीज दिखाई देंगे। इन सारे कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड टू मेन्यू कर देंगे, तो ये सारे कैटेगरी हमारे ऐड हो गए मेन्यू में, और यहाँ पे सेव मेन्यू कर देंगे। इसके बाद एक और मेन्यू क्रिएट करेंगे जिसको हम देंगे फुटर मेन्यू, तो यहाँ पे फुटर मेन्यू हम क्रिएट करते हैं,
यहाँ पे ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले सारे पेजेस को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे फुटर में दिखेंगे, और इसको हम ऐड टू मेन्यू कर देंगे, ऐसे ऐड हो जाएगा, और देन हम सेम मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये सारे हमने ऐड कर दिया। अब एक बार हम आके अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे हमने मेन मेन्यू को ऐड किया है, ठीक है, इस तरह से हमारा ब्लॉग दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने ब्लॉग पे, पेजेस पे आ जाएंगे, जाएंगे ऑल पोस्ट सेक्शन में, इस पोस्ट को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे नए पोस्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं एक पोस्ट बना के रखा हूँ, जो भी न्यू पोस्ट है कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताऊँगा कि कैसे मैं फाइंड करने वाला हूँ। और यहाँ पे गूगल डॉक्स पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना लिया है, और इस पोस्ट का ये टाइटल है, तो यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे कंटेंट जो है इसको कॉपी करेंगे, कंटेंट को हमने कॉपी कर लिया, इसको H2 कर देंगे, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये सारे करने के बाद हम पोस्ट का इमेज अपलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पे इमेज भी मैंने बना लिया है। यहाँ पे कैटेगरी पोस्ट की जो है एंटरटेनमेंट है, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। टैग्स हम लगा देंगे, तो यहाँ पे 100x मूवी कलेक्शन, मूवी बॉक्स ऑफिस, यहाँ पे 100x मूवी मूवी कलेक्शन। के बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे फीचर इमेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपना इमेज अपलोड कर लेते हैं। ये हमारा इमेज है, ये हमारा फीचर इमेज है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे इसका एल टैग हम डाल देते हैं, और यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे SEO रैंक मैथ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे फोकस कीवर्ड में हम ऐड कर देते हैं कलेक्शन, ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया। और देन यहाँ पे एडिट स्निप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, स्लग छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कलेक्शन तक रखेंगे। यहाँ पे हम पूरा 160 करेक्टर का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जो कि सर्च में आता है, तो यहाँ पे मैं मेटा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेटा ऐड हो जाता है हमारा, और इसके बाद एक बार हम सेव ड्रॉप कर लेंगे और पूरी चीज़ें चेक कर लेंगे, तो देखेंगे ये चीज़ ऐसी है। अब यहाँ पे हम और भी ट्वीट और भी सारी चीज़ें इम्बेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से ट्वीट कॉपी करके हम यहाँ पे ट्वीट ऐड कर देते हैं। ट्वीट ऐड करने के लिए यहाँ पे कोड वाला ऑप्शन करेंगे, और यहाँ पे हम ट्वीट को कोड को हम पेस्ट कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ट्वीट वो दिखने लगेगा जब भी होगा। और इसके बाद यहाँ पे हम 100 मूवी का ट्रेलर ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा एंगेजिंग हो जाए, तो यूट्यूब खोलेंगे और यहाँ पे 100x, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट URL, और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, और देन यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 100 मूवी का ट्रेलर ऐड हो जाएगा, ये पूरा ऐड हुआ है बढ़िया से, ठीक है, इस तरह से ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी हमारे लाइक हाईलाइटेड कीवर्ड रहेंगे उसको, जो भी हमारे मेन कीवर्ड्स होंगे उनको हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जैसे ये, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, तो इस तरह से हम हाईलाइट कर लेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे। और उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हमें चेक करने के बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हम एक बार पोस्ट को देख लेते हैं, तो इस तरह से हमारा पोस्ट जो है दिखेगा, इसको हम और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से पूरा हमारा पोस्ट हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे जितना भी पोस्ट ऐड होता जाएगा वो और इसका स्ट्रक्चर और भी सही होता जाएगा। तो अब बात आती है कि US न्यूज़ ब्लॉग के लिए कंटेंट आइडिया कहाँ से फाइंड करेंगे, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है गूगल ट्रेंड का यूज करिए। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं रीजन, जैसे यहाँ पे इंडिया दिखा रहा है, एक्सप्लोर में जाइए, एक्सप्लोर में जाने के बाद यहाँ से आप USA सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हम इंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे USA का डेटा शो होने लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे उसके टॉप 10 क्वेरीज भी दिखने लगेंगे, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जैसे अवतार 2, ठीक है, जेना ऑर्टेगा, ये सारे चल रहे हैं, तो इन सब पे हम कंटेंट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग पे भी जाएंगे, तो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ से हम यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमें यूनाइटेड स्टेट का डिटेल्स दिखने लगेगा। इसके साथ हम दूसरा जो तरीका यूज करते हैं गूगल अलर्ट, यहाँ से भी हम कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। ऑलरेडी हम ताज़ा टाइम पे इसी तरीके का यूज करके फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे जाते हैं अलर्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे सपोज हॉलीवुड में आपने जॉनी डेप का नाम सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं उनका, सपोज हम उनके बारे में हम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जॉनी डेप को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे क्रिएट अलर्ट से पहले हमें यहाँ पे 100 ऑप्शन मिलता है एट मोस्ट वंस इन ए डे, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर सकते हैं, न्यूज कर सकते हैं, वेब, जो भी ऑप्शन चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज कर सकते हैं, रीजन, हम यहाँ पे रीजन USA सेलेक्ट कर लेते हैं,
तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि हमें वहीं का चाहिए और ऑल द बेस्ट रिजल्ट। और इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सेटिंग पे करने के बाद यहाँ पे हम डिलीवरी टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं इंडिया में हमें लाइक सुबह सुबह 9 बजे हमें सारा मिल जाए, तो यहाँ पे हम 9 बजे सेलेक्ट कर लेंगे, सेव कर देंगे। तो ये 9 बजे इनके बारे में जो भी अपडेट्स होगा वो मिलता रहेगा। इसी तरह जैसे बात करें मूवी, मूवी का भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करके भी यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं USA, और यहाँ पे हमें यूनाइटेड स्टेट का मूवी पे भी जानकारी मिलती रहेगी। सेटिंग टाइम कर देंगे, सेव कर देंगे। इसके बाद USA में एक और चीज़ बहुत फेमस है, लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं रेडिट, तो वहाँ से भी हमें न्यूज आइडिया मिल सकता है। तो रेडिट पे जाना है। सपोज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे लोग बात करते हैं और वो टॉपिक बहुत वायरल होते हैं। सपोज़ यहाँ पे मूवी हम बात करें, मूवी से रिलेटेड, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे मूवी से रिलेटेड जानकारी पे टॉपिक्स पे बात हो रही है जिनके बारे में हम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 100x का लिखा, तो यहाँ पे हम 100x मूवी हम इंटर करते हैं, तो देखेंगे उससे रिलेटेड कितने पोस्ट यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको हम उठा के हम उन पे पोस्ट बना सकते हैं। इस तरह से किसी भी टॉपिक पे रेडिट पे जानकारी मिल जाती है। इसके बाद जो चौथा तरीका हम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे हम बड़े बड़े पेजेस को फॉलो कर लेते हैं, जैसे बड़े बिजनेस के पेज हो गए, USA टारगेट होंगे, कुछ बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, मूवी प्रोडक्शन हो गया, जैसे कि बात करें मार्वल्स हो गया या DC हो गया, लाइक यूनिवर्सल स्टूडियो हो गया, इनको फॉलो कर लेते हैं जो अपडेट आता है। और फिर हम यूट्यूब चैनल से ट्रेलर और इस सब की जानकारी उठा लेते हैं, वहाँ से हम जाके उन पे लिख देते हैं। तो इस तरह से हम फोकस करेंगे आर्टिकल लिखने का, और यही बेस्ट तरीका है जिससे आप न्यूज आर्टिकल पा सकते हैं अपने USA न्यूज़ ब्लॉग के लिए। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्या ट्रांसलेटेड कंटेंट हम USA पे लिख सकते हैं। सपोज हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम क्या लाइक हिंदी में लिख के आर्टिकल को ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जब भी हम कोई कंटेंट ट्रांसलेट करते हैं तो उसका पूरा जो सार है वो अलग दिशा में हो जाता है। तो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा और हम भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम AI चैटबॉट या ऐसे तरीकों का यूज नहीं करने वाले हैं। हम ओरिजिनल कंटेंट लिखने वाले हैं जो कि ह्यूमन होगा और पूरी तरह से इंग्लिश में लिखा जाएगा, उसको ट्रांसलेट करके नहीं लिखा जाएगा। तो मैं ये कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ये करो। अगर आप ये करते हो तो मे बी सक्सेस आपको ना मिले, जिसमें आपका हार्डवर्क और पैसा दोनों बर्बाद हो जाए। इसके बाद और एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस पे ट्रैफिक कैसे आएगा। तो ट्रैफिक आने के लिए देखिए, न्यूज़ ब्लॉग जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमारा टारगेट होता है डिस्कवर, और डिस्कवर इनेबल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वेब स्टोरी बनाएं, वेब स्टोरी ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाएं, अच्छे से बनाएं, उसमें इमेज और जो गूगल के गाइडलाइंस जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करें और वैसा वेब स्टोरी क्रिएट करें। तो ऐसा हम क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है, उसके बारे में भी आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। तो होप आप सभी को ये पूरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।